हेलो फ्रेंड्स, इंडियन टैलेंट यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज से हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी परीक्षा 2019 जो होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लेकर आ रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम 13,500 क्वेश्चंस यानी 153 ऑल शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, जिसमें एएलपी साथ में ग्रुप डी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी डेट में एग्जाम्स हुए हैं, सारे क्वेश्चंस के साथ हम एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स। और एक वीडियो में हमने 100 क्वेश्चंस को लिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो सके फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज का 100 क्वेश्चंस। उससे पहले अगर हमारे वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए यूट्यूब पर तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का 100 क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम हुआ है 17/9/2018 को एग्ज़ाम हुआ था लेवल वन का, यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड लेवल वन पोस्ट सीन 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये वन शिफ्ट में आपको 100 क्वेश्चंस लेंगे फ्रेंड्स। और इसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको क्वेश्चंस दे देंगे, आप उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो वीडियो लंबा हो सकता है फ्रेंड्स, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी जीएस हैं, जितने भी साइंस हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं। हो सकता है क्वेश्चंस नेक्स्ट बार एग्जाम्स में रिपीट करें। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस व्यक्ति को चुने जो एक समूह से संबंधित ना हो, उस व्यक्ति को चुने जो समूह से संबंधित ना हो, तो इसका एक्यूरेट आंसर होगा विराट कोहली होगा। इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली होगा फ्रेंड्स। इस वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विषम को चुने, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है विषम को चुने। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें अपोजिट दिया हुआ है, टी का अपोजिट दिया है, बी का अपोजिट ये दिया हुआ है, एन का अपोजिट एन नहीं दिया हुआ है, ए का अपोजिट ए दिया हुआ है, लेकिन तो इसमें से विषम कौन है? तो विषम क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास मैथ का क्वेश्चन है जो कि आप लोग इसको साइन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स। इसका एक्यूरेट आंसर यहाँ पे सामने दिया हुआ है, इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 134 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, मैथ्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसी प्रकार के मैथ के क्वेश्चंस आए हैं ग्रुप डी में। दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फोन की कुल जनसंख्या इतना है, तो आपको बताना है कि LMN द्वारा यानी 30% टोटल को जोड़ेंगे कितना परसेंट हो रहा है, उसके बाद ये यहाँ से निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मैथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है जब तक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता है। तो इसके किस में परिवर्तन होता है? तो चाल में होता है फ्रेंड्स। एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? इसका चाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निषेचित अंडा युग्म किसमें समाविष्ट हो जाते हैं, जो निषेचित अंडा युग्म होते हैं किसमें समाविष्ट हो जाते हैं? तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गर्भाशय में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन से तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा आयरन। इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मैथ्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। द एरिया ऑफ ट्रेंगल हुज वर्टिकल्स आर गिवेन बाई 1, 2, -4, -3, 4, 1, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका एरिया खुद से निकाल लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा तो वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस को लेना है फ्रेंड्स हर एक वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2018 में पत्रिका के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इंक पुरस्कार किसे चुना गया? तो इसका एक्यूरेट आंसर होगा मार्क टूली को चुना गया। इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? मार्क टूली को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सत्यव्रत
काडियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है, इसका ग्रेट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चंस को देखते हैं फ्रेंड्स। दो इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया लेकिन टंकी भरने से 3 घंटा पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितना समय लगा? तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 15 घंटा लग जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं या पेन कॉपी लेकर इसको नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और उस निष्कर्ष को चयन करें जो कथन को तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। यहाँ पर दिया सभी पंखुड़ियाँ फूल है, सभी पंखुड़ियाँ क्या है फूल है, यहाँ पर माने पंखुड़ियाँ है, सभी पंखुड़ियाँ क्या है ये फूल है, ये क्या है फ्लावर है, ये क्या है पंखुड़ियाँ है, सभी पंखुड़ियाँ फूल है, सभी पंखुड़ियाँ पीली है, सभी पंखुड़ियाँ जो क्या है पीली है, सभी पंखुड़ियाँ भी क्या है येलो है, ये क्या है येलो मतलब पीला है, सभी पीले फूल हैं, सभी पीले क्या है फूल है, यानी सभी पीले क्या है फूल है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है फ्रेंड्स। अगर हम इसको डिटेल से एनालिसिस करने लगे आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त विन आरेख को चुने, घोड़ा बंदर बाघ, घोड़ा बंदर बाघ। तो आप इसमें चुन सकते हैं कि इसमें से कौन एक्यूरेट आंसर होगा, घोड़ा अलग है बंदर अलग है और बाघ अलग है फ्रेंड्स, इसका निवास स्थान भी अलग अलग है। इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये विन आरेख होगा, इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एप्पल के बाद डॉलर 900 बिलियन बाजारी पूंजीकरण तक पहुंचाने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है? एप्पल के बाद डॉलर 900 बिलियन बाजारी पूंजीकरण तक पहुंचाने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है? वो क्या है अमेजन है, इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा अमेजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि बहुत ही आसान है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि निम्नलिखित में से कौन से सूचना प्रश्नों को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बोल रहा है एंगल ए सी बी का मान पूछ रहा है, एंगल ए सी बी का मान पूछ रहा है, तो इसमें कौन से सूचना पर्याप्त है, ए दिया हुआ है और एंगल डी बराबर कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, तो इसका कौन सा सूचना पर्याप्त है, तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 1 और दोनों क्या है पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया हुआ था, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो 2 स्वराज से सूरज पहल की शुरुआत की? तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन से सही है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन में कौन सी अवधारण अंतर्निहित है, छात्र एक ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए, तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा केवल 1 अंतर्निहित है, इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था, इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा रणवीर सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैथ्स के क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से सॉल्व कर सकते हैं, इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स कि व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ डायरेक्टली बिलो द हॉरिजॉन्टल पावर लाइन विद द करेंट फ्लोइंग फर्स्ट ईस्ट टू वेस्ट व्हेन व्यू फ्रॉम द वेस्ट इन। तो ये आपका साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोजेक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये रीजनिंग क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर क्या होगा, सी के बाद डी आ रहा है, डी के बाद ई गायब हो जा रहा है, एफ आ रहा है,
जी एच आई गायब हो जा रहा है। इसी तरह इसका नेक्स्ट श्रेणी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा, एम हो जाएगा। इसका ग्रेट आंसर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई बल, क्वेश्चन नंबर दिया भाई, कोई बल 1 kg पिंड की गति को 4 m/s से 8 m/s तक बढ़ा देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? बल फोर्स इक्वल टू क्या होता है? तो आप इसको निकाल सकते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? 24 joule हो जाएगा। इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? 24 joule हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन से न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरा नियम का उदाहरण है? तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा रॉकेट लॉन्च करना। रॉकेट लॉन्च करना ही क्या है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विच पैटर्न रिसेंबल क्लोजर टू, प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है, आप बताइए किसके इस फिगर से रिलेटेड कौन सा फिगर होगा प्रॉब्लम फिगर में? तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा। इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग का क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, यदि पेन 179 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यह प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिया है, बहुत ही आसान, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है साइंस से, क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को के रूप में मतलब जाना जाता है, इसको हम लोग भार के रूप में जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2016 में मेलबर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव का विषय क्या था, जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा भनोट की बायोपिक नीरजा में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, फीमेल एम्पावरमेंट है। इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा, फीमेल एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एचसीएफ से क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, द एचसीएफ यहाँ पे दिया हुआ है, इसका एचसीएफ आप खुद से निकाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अब कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आए हुए हैं उसको देखते हैं, दिए गए कथन को सत्य मानिए भले ही वे समानता मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और उसके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए कौन सा निष्कर्ष कथनों के तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन दिया है कुछ धातुएं लोहा है, कुछ लोहा भारी होता है, तो इसमें से कौन से, सभी लोहे धातुएं हैं, सभी भारी धातु हैं, तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है? तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेंड्स, 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब कोई वस्तु वित्तीय पथ पर गति करता है, जब कोई वस्तु वित्तीय पथ पर गति करता है तो घूर्णन गति हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? वेल जहाज और महासागर। तो वेल जहाज और महासागर, महासागर बहुत बड़ा है, वेल और जहाज एक ही में आता है, तो वेन डायग्राम हो जाएगा। इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है? तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा। इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो इसको हम लोग कोडाईकनाल उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोडाईकनाल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? उसको हम लोग राज्यसभा बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि आपको एक प्रश्न को प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक या पर्याप्त है, उनकी पहचान करें। सब्जियों के 20 डब्बे का कुल भार क्या है, उनमें से प्रत्येक भार का
कथन दिया हुआ है, पहले 10 डब्बों में प्रत्येक डब्बे के एक तिहाई का भार 10 केजी है। दूसरा दिया हुआ है 6 डब्बों का कुल भार 4 डब्बों के कुल भार के 40 केजी है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स, इसको एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 एक साथ पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है? तो उनका नाम है साई परणीता, परणीत नाम है इसका, साई परणीत नाम है इसका, ग्रेट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसका ग्रेट आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उत्तर आकृति को कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई दोनों आकृतियों से मेल बनाता है? तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न को, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका ग्रेट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका ग्रेट आंसर क्या हो जाएगा? बी फिगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जो मैथ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ए बी सी एक टैंक से जुड़े 3 बल्ब हैं, ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, बी और सी मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं, और सी ए और सी मिलकर टैंक को 7.5 घंटे में भर सकते हैं, ए अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घर है? जो कि ये क्वेश्चन गलत है, ये बोर्ड द्वारा इस क्वेश्चन को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया। शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कमिटी अंडर द चेयर मैनशिप ऑफ द उदय कोटक वाज कंस्टिट्यूटेड इन 272 इंप्रूव इफिशियंसी। इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा कॉरपोरेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मैथ्स से क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है, तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा? तो 180 किलोमीटर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 45 नंबर दिया हुआ है, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणाएं कथन में निहित है? तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों निहित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या ठोस द्रव गैस तीनों रूप में पाए जाते हैं? तो निम्नलिखित में से क्या ठोस द्रव गैस तीनों रूप में पाए जाते हैं? अधातु। इसका ग्रेट आंसर क्या हो जाएगा? अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो कनाडा का तटीय रेखा सबसे लंबी है। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू टिश्यू, किसका? क्लेंसाइमा के कारण होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन द US ओपन कराटे चैम्पियनशिप हेल्ड इन लास वेगास इन अप्रैल 2017? तो 16 हो जाएगा फ्रेंड्स, 16 मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ का, इसका ग्रेट आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, 4 केक का क्रमशः इतना हिस्सा मिलता है, तो केक कितना हिस्सा 5वां दोस्त को मिलेगा? इसका ग्रेट आंसर 5/24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है? तो 71 और 73 क्या है? अभाज्य संख्याओं का युग्म है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका ग्रेट आंसर 324 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में डैश विशिष्ट उपलब्धियों वाली महिलाओं को सम्मानित किया, ये प्रथम महिलाएं अपने अपने प्रतिनिधि क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिमान स्थापित करने में अग्रणी रही हैं? 112, इसका ग्रेट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज ऑक्सीजन रिलीज इन टू द एयर, किस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है? इसको बोलते हैं फोटोसाइंथेसिस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बोलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दी गई आकृतियों में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी? तो इसको रीजनिंग क्वेश्चन से आप इसको खुद से देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिन में कर सकता है, रोहित अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? 30 दिन। यह मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
58 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से जंतु गर्म रक्त वाला होता है? वो कबूतर होता है। गर्म रक्त वाला जंतु कौन है? कबूतर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स। और इसका इसका करेक्ट आंसर फोर, ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा, यानी सेवन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, आधुनिक आवास सारणी में कौन से समूह के तत्व को बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो 18वें तत्व का होता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा। 61 में दिया है, मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था कैलेंडर से क्वेश्चन आया हुआ है, इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? 4 तारीख को, 11 तारीख को, 18 और 25 को, इसका एक्यूरेट आंसर वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री होस्ट टू एकेडमी ऑस्कर अवार्ड टू एक्सलेंस इन सिनेमा एवरी ईयर्स? एवरी ईयर में कौन से सिनेमा सबसे अधिक अवार्ड अक्सर अवार्ड लेता है? यूएसए के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स का वैलेंसी क्या होता है? 1, 2, 3 होता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो मैथ से क्वेश्चन है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 8000। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान है आपको 6×10^24 kg, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पारा ध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पायरापोइसिस, ये एक ऐसा जानवर है जो पारा ध्वनि उत्पन्न कर सकता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका एक्यूरेट आंसर। 67 में दर्पण का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका एक्यूरेट आंसर ए हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 86 में दिया हुआ है, मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका एक्यूरेट आंसर 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि गति सर्वाधिक होता है? तो ठोस में होता है, इसका एक्यूरेट आंसर 1 हो जाएगा। 17 में दिया, दिए गए कथन को सत्य मानिए भले ही समानता मान्य तथ्यों से विभिन्न प्राप्त होती है, उसके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, निष्कर्ष और 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 71 नंबर में दिया हुआ है, 71 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया हुआ? निम्नलिखित में से कौन से विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है? तो आप लोग देख सकते हैं इस फिगर को, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द कैरी चार्ज ऑफ 4C अक्रॉस 2 points हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 18 volt? तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 18 volt है, तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? 72 joules हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ x 4461 इज डिविजिबल बाई 11, वाट इज द फेस वैल्यू ऑफ x? x का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? तो x का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका फेस वैल्यू 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर नाम क्या है? इंदौर होगा, इंदौर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 160,000 की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर होती है, मैथ क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34,481, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, दिए गए कथन को निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और चुने कि कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से कथन का अनुसरण करता है। कथन में दिया हुआ है, इसका ग्रेट आंसर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं, आप इस पेन से वीडियो को पास करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसका ग्रेट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 m और 157.5 m लंबी 2 गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो दोनों गाड़ियों का संयोजित गति प्रति घंटा में कितनी हो जाएगी? 120 किलोमीटर हो जाएगा, इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स। नीचे दिए गए कथनों के निष्कर्ष को पढ़ें, यहाँ पर दिया हुआ है, निष्कर्ष को आप लोग पढ़ लीजिए, कोई गाय बिल्ली नहीं है, सभी बिल्लियों के मूछ हैं, कुछ गाय बिल्लियाँ हैं, कुछ गाय के मूछ हैं, कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का अनुसरण करता है? कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 80 नंबर क्वेश्चन में भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है, किसी वस्तु पर क्रियान्वित बल जो वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता वह के द्वारा
विस्थापित वस्तु द्वारा वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा उपरोक्त सभी के द्वारा। इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चंस गलत है फ्रेंड्स, इसको बोर्ड द्वारा गलत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। तो नीचे दिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पास करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा 72 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 82 नंबर में दिया, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? ये रीजनिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 25S हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 83 में ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स। इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर 1 12,500 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, द एनसी ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 1 होता है हमेशा, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से बिंदु 1 और 2 के रूप में दो धारणाएं दी गई है, कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सी धारणाएं दिए गए कथन में अंतर्निहित है। ठीक है, इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा धारण 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 86 में यदि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा? तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिक को उनकी विशिष्ट प्रदर्शन 9-4 क्षमता उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिकता तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया श्रम पुरस्कार हो जाएगा। इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 88 में दिया हुआ, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो दाब पर निर्भर नहीं करता है, इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? इसका एक्यूरेट आंसर शुक्रवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, हौसला 2017 क्या है जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया? बच्चों के अधिकारों का उत्सव है, इसको बच्चों को अधिकारों का उत्सव मनाया गया हौसला 2017। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? रीजन से क्वेश्चन है, इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 H19S हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्षैतिज मेज पर एक घड़ी रखी गई है, 2:03 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा की थी, 2:03:40 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? दक्षिण की दिशा 60 डिग्री पश्चिम में होगी, इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 93 में दिया हुआ क्वेश्चन, यदि पाइप को इतना लिखा जाता है तो SWAN को कितना अंतिम अक्षर क्या होगा? तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 94 में दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ द मास हाइड्रोजन ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? 1:8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पावर मूल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय पदार्थ ने पावर टैक्स इंडिया स्कीम की शुरुआत की? इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला विकल्प चित्र कौन सा है? तो विकल्प चित्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन से विकल्प प्रतिस्थापित करता है? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स, इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी डेवलप इन द न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसको बोलते हैं, इसका एक्यूरेट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो इसका एक्यूरेट आंसर आप लोग फिगर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें 27 क्या है? ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, और लास्ट क्वेश्चन, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो धावन सोडा के एक अणु में 10 अणु, पानी के 10 अणु उपस्थित होते हैं फ्रेंड्स। तो ये था 100 क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ये क्वेश्चंस कैसा लगा, और जितने भी मैथ के क्वेश्चंस हैं इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 100 और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए यूट्यूब पर तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।